सबसे शक्तिशाली वस्तु उसको मानी जाती है जिसमें से सुगंध निकलता है, क्योंकि जो सुगंध वस्तु है सबसे एनर्जाइज्ड है। जब एनर्जी बढ़ती है, आपने देखा होगा योगी पुरुषों सिद्ध पुरुषों नाते नहीं है, लेकिन उनके कपड़े को सूंघोगे तो उसमें गुलाब का खुशबू आएगा, मेल का बास नहीं आएगा। जब शक्ति सर्वोत्तम बन जाती है तो सुगंध में परिवर्तित हो जाती है। किसी भी साधक का आप कपड़ा सूंघोगे तो उसमें खुशबू आएगा, क्योंकि वो लोग साधना से अपनी शक्ति को एनहांस करते हैं। एनहांसिंग क्रिएट्स द एनर्जी एंड द एनर्जी क्रिएट्स फ्रेग्रेंस लाइट। जो ये वस्तुओं में लाइट नहीं आ सकती क्योंकि ये जीवित नहीं है। जीवित पुरुषों के शरीर में तो उजाला भी आता है, लेकिन ये वस्तु सुगंध डालती है। तो ये ऊर्जावान वस्तु को दूसरे वस्तुओं के साथ जोड़ने से टकरा के घर में अशांति होती है। आपके घर की अशांति का कारण सबसे बड़ा है आपका मसाले का डब्बा। क्या डब्बा? एक तो मैंने बोला कि मसाले डब्बे में रुपया रखना चाहिए, बोला कि नहीं आप मत हो तो बहनों सुनेगी, आप खाली अनुमोदन करो। तो क्या भाई इतने इंटरेस्ट से सुन रहे हैं कि मुझे पता है कि ज्यादातर वही रसोई करते हैं, तो उनको ये सब पूरी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि भाई आके तो गुरु महाराज क्यों इन औरतों को देख के बात करते हैं, रसोई तो हम कर रहे हैं घर में, सुनना तो हमको चाहिए। सचिन भी देखो अभी भूखा ही लग रहा है, घर जाएगा रसोई बनाएगा, खुद भी खाएगा, इसको भी खिलाएगा। हाँ, तो अभी ये मसाला दानी कैसा होना चाहिए? तो एनर्जी देखो, आप राई का ऑटो एक फोटोग्राफी लो, राई की फ्रीक्वेंसी 13 डिग्री है। अगर राई का कोई भी ऑरा फोटोग्राफी लिया हो तो राई की फ्रीक्वेंसी 13 डिग्री है। मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर -7 डिग्री है, क्योंकि वो मसाले का सर्वोत्तम वस्तु होने के कारण रिवर्स में उसकी आ जाती है। और हर बैंड राई डब्बे में हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर ऐसा साथ रखती है, तो दोनों मिलकर के रसोई घर की वस्तु की शक्ति को बिगाड़ के घर में कोई ना कोई विघ्न उत्पन्न करते हैं। राई है, हल्दी है, छोटी चीज आपको लगे तो पाउडर है, इसमें क्या है, लेकिन एक कुमकुम का पाउडर सौभाग्य दे सकता है, तो रसोई का हल्दी पाउडर समृद्धि भी दे सकता है। इसका ध्यान रख के ही चलना चाहिए। अगर ये नहीं है तो गड़बड़ है। तो ये कठोर दान कैसे होगा बहनों, कैसे हो सकता है? देखो, 3 चामक, हम चामक बोलते हैं इस डब्बों को हमारी भाषा में, अभी क्या बोलना है, मैं 3 चामक रक्त, क्यों मुझे मसाला डिब्बा बोलना पसंद नहीं है, क्योंकि ये सब दैविक चीजें हैं, इनको मसाला बोलना हमारे जैसे संतों को शोभा नहीं देता, क्योंकि इसी से कई तंत्र क्रियाओं होते हैं, कई मंद राई से तो कितनी तांत्रिक क्रियाएं होती है, वो कोई साधारण मसाला नहीं है। तो 3 डब्बे होनी चाहिए। कितनी डब्बी? हर घर में 3 डब्बी अलग हो जाए तो हफ्ते भर के अंदर घर में व्यापार की वृद्धि, घर में शांति सुख समृद्धि बढ़ने लगती है। कितने डब्बे? अभी कितने डब्बे बहनों? कोई ऐसी बहने भी है जिंदगी में कोई राई दाल डाली नहीं सर, खाली नमक डालती है और खाना बना दे, उसको तो चमक की जरूरत नहीं। स्पेशल बहनों होती है कोई, तो पहला चामक में सिर्फ जो तेल गरम करते समय डालते हो, राई, उड़द की दाल, मोगर, ऐसे दाल वस्तु और राई एक में हो सकता है, उसमें जीरा हो सकता है। दूसरे में जो पुलाव बनाने के लिए उपयोग करते जितनी वस्तु, उनकी पूरी फ्रीक्वेंसी अलग है, लवंग, इलायची, तेज पत्ती, दालचीनी, ये सब की फ्रीक्वेंसी। जो पुलाव बनाते हो तो क्या क्या डालते हो, वो पूरा अलग चामक में होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि इन सब की फ्रीक्वेंसी नीचे की ओर जाती है। तो ये सब क्या होना चाहिए? पुलाव का मसाला होता है ना, समझ रहे हो, लवंग होता है, इलायची होती है, सौंफ होता है, तेज पत्ती और दालचीनी। दालचीनी होती है ना लंबी लंबी ऐसी लकड़ी की तरह बड़ी, तेजपत्ती एक फूल जैसा भी होता है। तो ये चीजें एक चमक में हो। क्या क्या चीजें? लौंग, इलायची, सौंफ, दालचीनी, तेजपत्ती, पत्तर फूल,
नहीं, धनिया तो वो पहले वाले में महंगा, वो पहले वाले में, राई वाले में, वो राई वाले में खड़ा धनिया, राई, मोगर, उड़द, वो चने की दाल, और एक खंड में पैसा, पहले वाले में, राई वाले में पैसा रखना, क्योंकि उसमें पूरी जितनी वस्तु है ना, उड़द की दाल, राई, सब तांत्रिक वस्तुएं हैं। उधर पैसा जाने के बाद लक्ष्मी का आगमन होता है, घर में शांति, बच्चे कहना मानते हैं, संस्कार, गुण, ज्ञान बढ़ता है। और तीसरे वाले में मिर्च का पाउडर, हल्दी का पाउडर, धनिया का पाउडर, गरम मसाला, करी मसाला, करी पाउडर बोलते हो आजकल आप, डालते हो क्या? करी मसाला, सांबार मसाला, सांबार मसाला, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और गरम मसाला, ये सभी मसाला पाउडर एक में, पाउडर और साबुत चीजों दोनों एक साथ रखते हो, पाउडरों का फ्रीक्वेंसी नीचे की ओर जाता है, साबुत चीजों का फ्रीक्वेंसी ऊपर जाता है, दोनों साथ हो तो बहनों को माइग्रेन फ्री, कोई ना कोई स्ट्रेस या कोई डिप्रेशन डिस्टर्बेंस आ सकता है। आपको लगेगा कि इतना सा ये मसाले के डब्बे में ऐसा होता है क्या? अरे वो इतना सा चीज नहीं है, अगर प्रकृति ने उसके साथ सुगंध, उसमें स्वाद, उसमें तीखापन सब जोड़ा है तो उसमें शक्ति भी जोड़ा है, और वो शक्ति काम करके रहेगी, ये शक्तियां या तो घर में बरकत करेगी या बर्बाद करेगी, दो में एक कर देगी ये शक्ति।